सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ दानिश खान, आपका दोस्त। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीडियो कॉल रिकॉर्ड के बारे में और वीडियो कॉल हैक के बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में, जो कि थर्ड पार्टी जो है आपकी वीडियो कॉल रिकॉर्ड करने के बाद कहाँ कहाँ सेल करती है उसके बारे में, और आपका डाटा कहाँ पे सेल होता है, कौन सी कंपनी लेती है, क्या होता है आपके डाटा का। अगर जी आपका लीक हो गया डाटा, यानी कि वायरल हो गया, किसी कंपनी ने ले लिया या कंपनी को बेच दिया या हैक हो गया, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे यार, मेरे जो है आपको पता है माशाल्लाह सब्सक्राइबर आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख के करीब है, और बहुत भाई वीडियो मेरी देखते भी हैं, लाइव भी करते हैं, पर यार पता नहीं क्या हो रहा है, टिकटॉक पे नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं टिकटॉक पे बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ अभी। तो टिकटॉक पे यार ज्वाइन हो जाओ, और टिकटॉक पे आप देख सकते हो मेरे फॉलोवर्स, यार टिकटॉक पे 179 फॉलोवर्स हैं, और YouTube पे माशाल्लाह से मेरे जो है 2 लाख के करीब में है। तो YouTube के अगर जी आधे भी फॉलोवर्स जाए सब्सक्राइबर, तो करीब करीब ये लाख तो पहुंचा है दो यार भाईजान। इस पे जो है आपको मजेदार वीडियो मिलेगी, और जिस तरीके की इस पे वीडियो है ना, तो सच में ऐसा मत सोचना कि मैं ऐसे ही हूँ, दिल विल टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत भाई के कमेंट भी आते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं यूट्यूब के जो मेरे फ्रेंड है वो टिकटॉक पे चले गए हैं, क्योंकि इंडिया में तो ये बैंड है, पर सऊदी में जो है वो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि मेरे पास कमेंट भी करते हैं, बहुत पूछते हैं दानिश भाई क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, सब जगह ही। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मेरा फैशन है, यानी कि यूट्यूब पे मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज वाली बातें बताता हूँ, और उस पे थोड़ा मैं एंटरटेनमेंट करता हूँ, आपको थोड़ा सा हंसाता हूँ, थोड़ा सा गम दिलाता हूँ, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। वो मेरा एक पैशन है, मैं ऐसा नहीं हूँ कि इस पे अलग डालू और उस पे भी वही डालू, बस अलग अलग है मेरा कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी को प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट में बताइए, और पसंद आती है टिकटॉक की वीडियो तो बताइए यार, मैं टिकटॉक पे और ज्यादा वीडियो एक से एक डालूंगा, रहेंगी सेट की ही वीडियो सारी, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों रिकॉर्ड के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था जो कि ड्यू रिकॉर्डर कॉल है, ये अगर जी आपके मोबाइल में है और आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो क्या ये ड्यू कंपनी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग देखेगी, चाहे आप वीडियो कॉल पे रिकॉर्ड कर रहे हो ईमो पे, चाहे आप कर रहे हो व्हाट्सएप पे, चाहे आप कर रहे हो फेसबुक पे। तो ये चीज जो है मुझे क्लियर करनी है, क्योंकि बहुत भाई के कमेंट आए हैं माशाल्लाह से, और बहुत बहनों के भी कमेंट आए हैं, तो यही चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर जी आप ड्यू रिकॉर्डर जो मैंने आपको बताया था, ड्यू नहीं, आप कोई भी प्ले स्टोर से ऐप से डाउनलोड करने के बाद में अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे, वीडियो कॉल रिकॉर्ड करोगे, तो वो ही ऐप आपकी सारी एक्टिविटी देखेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अगर जी आप ड्यू रिकॉर्ड कर रहे हो इस वाली ऐप से, तो ये आपकी वीडियो कॉल देखेगी, आप क्या बात कर रहे हो वो नहीं सुनेगी, पर आपकी वीडियो कॉल जो एक्टिविटी आप कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो क्या, वो सारी की सारी रिकॉर्ड करेगी, तब वो देखेगी, तभी ये रिकॉर्ड होएगा, वैसे रिकॉर्ड नहीं होता दोस्तों, ये ध्यान रखना। जाने के कोई सी भी चीज हो, जब दिखाई देगी तभी वो रिकॉर्ड होएगी, दिखाई नहीं देगी तो रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ऐसे ही ये इस तरीके से ही करते हैं, आपके फोन में भी रिकॉर्ड हो जाती है और एक डाटा उनके पास भी पहुंच जाता है। वो कोई सी भी ऐप हो, यही नहीं कि यही वाली ऐप है, कोई सी भी ऐप हो तो वो रिकॉर्ड करेगी। बट हाँ, अगर ये आपको ये चाहते हो कि रिकॉर्ड ना करे कोई भी कंपनी, थर्ड पार्टी आपकी वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग ना देखे या कोई कॉल ना देख पाए, तो सिर्फ आपको डिफॉल्ट जो आपके मोबाइल में है, डिफॉल्ट जो रिकॉर्डर है स्क्रीन रिकॉर्डर, वही यूज करे, तो आपकी जो है वीडियो कॉल कोई थर्ड पार्टी नहीं देखेगी, सिर्फ आपके फोन फोन में ही रहेगी, नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे आईफोन का रिकॉर्ड है, यानी कि डिफॉल्ट, ये मैंने कोई ऐप डाउनलोड नहीं करी है कहीं से, प्ले स्टोर से, थर्ड पार्टी से, कहीं से भी डाउनलोड नहीं करी, मेरे आईफोन में ही ये रिकॉर्ड का ऑप्शन है, और सारे ही जितने भी मोबाइल हैं आईफोन सब में ये ऑप्शन होता है। तो आपको अगर रिकॉर्ड करना है आईफोन में, तो आप अपने डिफॉल्ट आईफोन में रिकॉर्डिंग करें, यानी कि आपके आईफोन में जो डिफॉल्ट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग का, तो आप तभी उसी से रिकॉर्ड करें, तो आपकी वीडियो कॉल सेफ रहेगी, सिर्फ आपके ही मोबाइल में रहेगी। वो बात एक अलग है, अगर जी आपके मोबाइल से किसी भाई ने ले लिया, व्हाट्सएप पे शेयर कर दी, उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, बट ये है कि फोन की जिम्मेदारी होगी, कि आपकी जो है आईफोन है इसकी प्राइवेसी बहुत होती है, क्योंकि ये जो रिकॉर्ड कर लेगा आईफोन, तो ये आपके ही फोन में रहेगा। आपकी बात बात की बात बाद में है कि आप कहाँ शेयर करते हो और उसे कौन वायरल करता है, कहाँ बेचता है, वो बात एक अलग है, पर आप थर्ड पार्टी से इसमें, जैसे कि मैंने अभी ड्यू रिकॉर्ड कर रखा है, अगर जी मैं इससे रिकॉर्ड करूंगा, तो ये रिकॉर्ड तो मेरे फोन में हो ही जाएगा, पर उसके पास भी पहुंच जाएगा, इस कंपनी के पास भी, वो भी रिकॉर्ड करके रख लेगा, उसके पास भी एक डाटा हो जाएगा।
और अब मैं आपको बता देता हूँ ये कौन कौन से फोन में आपको डिफॉल्ट ऑप्शन मिलेगा। आईफोन जितने भी हैं सारे आईफोन में डिफॉल्ट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ एमआई का फोन है उसमें आपको डिफॉल्ट ऑप्शन मिल जाएगा। सैमसंग का फोन जो बड़े आ रहे हैं अब उनमें आपको डिफॉल्ट ऑप्शन मिल जाएगा। और बाकी जितने भी सैमसंग के ओल्ड फोन हैं उनमें डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है, उनको ऐप के ही जरिए से रिकॉर्ड किया जाएगा, ये ध्यान रखना। और एमआई के फोन में एक खासियत और है जो कि मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, आप रिकॉर्ड करते टाइम अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, यानी कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो वीडियो कॉल पे और क्या बात कर रहे हो वो भी आईफोन उसमें एमआई के फोन में रिकॉर्ड हो जाएगा। समझे मेरी बात? नहीं समझे बात? यानी कि एमआई का एक ऐसा फोन है जो कि उसमें डिफॉल्ट ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग का, और वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा तो आप उससे रिकॉर्ड करोगे तो आपके पास उसमें वीडियो कॉल तो रिकॉर्ड होगी होगी, उसके साथ साथ जो वीडियो कॉल पे आप बात कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। समझे मेरी बात? बाकी आप आईफोन में रिकॉर्ड करोगे या सैमसंग में रिकॉर्ड करोगे तो सिर्फ वीडियो कॉल की आवाज रिकॉर्डिंग नहीं होगी, चाहे आप स्क्रीन कितनी भी एक्टिविटी कर सकते हो सबकी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप वीडियो बना रहा हूँ, ये स्क्रीन रिकॉर्डर से ही बना रहा हूँ मैं, और मेरी आवाज भी इसमें रिकॉर्ड हो रही है। और अगर जी मैं वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग करूंगा तो वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग की आवाज नहीं आएगी इसमें। तो इसी तरीके से एमआई के फोन में है, इस तरीके से अगर जी रिकॉर्ड करेंगे तो आप क्या बात कर रहा हो वीडियो कॉल पे वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। और उसमें आप कोई जरूरी नहीं कि आप वीडियो ही कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, आप उसमें वॉइस कॉल भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने बताया है। और मैं आपको अब बता देता हूँ आपका डाटा जो सेल होता है वो इसी तरीके से सेल होता है अगर जो थर्ड पार्टी से आप रिकॉर्डिंग करते हो, और रिकॉर्डिंग करने के बाद वो थर्ड पार्टी जो है आपकी रिकॉर्डिंग सारी सेव कर लेते हैं वीडियो, और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वो फिर किसी कंपनी को बेचते हैं, कंपनी उनको पैसा देती है, फिर वो और दूसरी कंपनी को बड़ी बेचते हैं, फिर तीसरी कंपनी को बेचते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि पॉर्न वेबसाइट हैं, तो वहां पे जाके आपकी जो है वीडियो कॉल अपलोड करी जाती है। अपलोड करने के बाद में आपको साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं। ये भी नहीं होता कि आपकी वीडियो जो है वायरल हो नहीं हुई, वो एक अलग बात है, बाकी उससे पैसा कमाया जाता है, ये चीज ध्यान रखने का, उससे पैसा कमाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कभी भी आप वीडियो कॉल बात करें तो ना ही तो किसी ऐप का जो है एक्टिविटी चालू करें, ना ही वीपीएन ऑन करें। आप सिंपल बात कर रहे हो अपने घर पे फैमिली में भाई से बहन से, तो आप नॉर्मल ही बात करिए, किसी से भी कर सकती हो, जियो से भी कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी कर सकते हो। व्हाट्सएप से तो है, सऊदी से आप वीडियो कॉल ना करें तो बेहतर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी है भाई, बताने का काम मेरा है, करने का काम आपका है, बाकी आपकी मर्जी है, आप कर लो या नहीं कर लो। बाकी ईमो पे और या फिर बॉटम पे आप वीडियो कॉल करो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनमें जो है ब्लॉक का सिस्टम नहीं है। सऊदी के अंदर जो है व्हाट्सएप पे जो है वीडियो कॉल ब्लॉक है, और ब्लॉक जो है उसको अनलॉक करोगे तो बाद में प्रॉब्लम पड़ती है, और अनलॉक करने के लिए आपको पता है वीपिन का यूज़ करा जाता है, और वीपिन जो है आपको पता है थर्ड पार्टी होती है, यानी कि वो आपकी एक्टिविटी देखता है। तो इसलिए कहता हूँ मैं आपको अगर जी वीडियो कॉल करनी है, पर्सनल कॉल करनी है, तो आप जो है बॉटम पे कर लीजिए, या फिर ड्यू पे कर लीजिए, या फिर ईमो पे कर लीजिए, या फिर फेसबुक पे कर लीजिए। बहुत सारी ऑप्शन हैं जो कि आप वीडियो कॉल कर सकते हो, बट जो फेमस है उसी पे करना, जो इनक्रप्टिक है, जो इनक्रप्ट नहीं है उस पे वीडियो कॉल ना करें तो बेहतर रहेगा। मैं जो हूँ इंशाल्लाह वीडियो ऑलवेज आपके पास आती रहेगी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिलीपीन की वीडियो है बहुत वायरल हुई है, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, वीडियो कॉल की ही जो है वो वायरल हो रही है, और वो जो है वीडियो कॉल क्यों वायरल हुई है मैं ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो एक ऐसी फिलीपीन की यानी कि मूवीज थी, उस मूवीज को देखने के बाद में वीडियो कॉल की गई, और वीडियो कॉल में कौन कौन ने उसका डाटा हैक किया, सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बहुत लंबा प्रोसेस है तो इसलिए अभी इस वीडियो में नहीं बता पाता, लंबी वीडियो हो जाएगी, आपको भी गुस्सा आएगा और कहोगे यार दानिश भाई आप खाली पीली बकवास करते रहते हो, कुछ बताते ही नहीं हो। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जो है वीडियो कॉल से दूर ही रहिए, और अनजान आदमी से वीडियो कॉल ना करिए, क्योंकि वो वक्त और था, ये वक्त और है, वो वक्त और था, ये वक्त और है, क्योंकि इस वक्त में सारे ही चोर हैं। बस ये बता रहा हूँ मैं दोस्तों। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।